अस्सलाम गाइस, मैं हूं शाहिद और आप देख रहे हैं मैं YouTube चैनल टेक्निकल शाहिद सर। गाइस आज हम सीखेंगे क्रोमा की के लिए ग्रीन स्क्रीन पोएट्री कैसे क्रिएट कर सकते हैं। गाइस इसके लिए आपके पास काइन मास्टर ऐप का होना जरूरी है। अगर आपके पास नहीं है तो आप सिंपली इससे प्ले स्टोर ऐप से इंस्टॉल कर सकते हैं। ओके गाइस, विदाउट वेस्टिंग टाइम हम चलते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। ओके गाइस, तो सबसे पहले हमने काइन मास्टर ऐप को ओपन करना है। उसके बाद कुछ ऐसा इंटरफेस शो होगा, तो हमने प्लस के बटन पर प्रेस करना है। जैसे हम प्लस के बटन पर प्रेस करें हमारे तीन रेशो आ जाएंगे, 16:9, 19:16, 1:1। तो मैं यहाँ पर 16:9 पर क्रिएशन करूँगा, आपने जिस पे करना वो कर लें। देन हमारे पास ऐसा कुछ इंटरफेस आएगा। इसके बाद हम चलेंगे मीडिया पर। जैसे कि हम मीडिया पर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे हम जाएंगे बैकग्राउंड। बैकग्राउंड पर आप कोई सा भी कलर चूज़ कर ले, तो फिलहाल मैं यहाँ वाइट कलर चूज़ करता हूँ। वाइट चूज़ करने के बाद इसकी हम लेंथ को इंक्रीज़ कर देते हैं। आपने जितनी पोएट्री क्रिएट करनी हो आप उतनी उसकी लेंथ को इंक्रीज़ करना है। उसके बाद चलेंगे कलर पे। कलर पर जाने के बाद हमें यहाँ से ग्रीन कलर करेंगे। गाइस ग्रीन कलर यहाँ से ओके ओके करने के बाद हम आ जाएंगे फर्स्ट पर। फर्स्ट पर आने के बाद आपने इसकी लेंथ इंक्रीज़ करनी है, इंक्रीज़ करनी है, डिक्रीज़ करनी है, डिक्रीज़ कर लें। अब हम चलते हैं लेयर पर। लेयर पर जाने पर टेक्स्ट के ऊपर प्रेस करेंगे तो हमारे पास कुछ ऐसा इंटरफेस शो होगा। तो यहाँ पे आपने अपनी पोएट्री टाइप करनी है, तो मैं यहाँ पे पोएट्री टाइप करने लगा हूँ। आपने जिस जो भी पोएट्री यहाँ पे टाइप करनी है वो यहाँ पे टाइप कर लें। ठीक है गाइस, इसके मैं यहाँ पे पोएट्री लिख रहा हूँ, खूबसूरत सा वो गाइज। यहाँ पे मैंने एक ये लाइन लिखी है। लिखने के बाद हम यहाँ कोई इमोजी भी डाल देते, तो मैं यहाँ पे फ्लावर डाल देता हूँ। उसके बाद ओके ओके करने के बाद इसी को करते हैं थोड़ा जूम, करने के बाद इसे ऊपर ले चलते हैं थोड़ा सा। तो इसके अलावा गाइज हमारे पास यहाँ फॉन्ट उन्होंने दिए हैं, आप जो भी फॉन्ट यहाँ से चूज़ करना चाहें वो कर सकते हैं। ठीक है गाइज, तो आप देख सकते हैं नीचे भी कितने फॉन्ट उन्होंने दिए हुए हैं। तो मैं सिंपली यहाँ पर नोटो श्रीफ बोल्ड को चूज़ करता हूँ। और गाइज तो मैंने ये फॉन्ट चूज़ कर लिया। तो अब हम इसके करते हैं नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद यहाँ पे उन्होंने और भी ऑप्शन दिए हुए हैं। यहाँ पे शेडो आप किसी कलर भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ से कोई भी कलर रख सकते हैं। तो सिंपली मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर समझा रहा हूँ, तो आपको आपने कोई कलर करना कर ले, सिंपली मैं ऐसे वैसे ही रहने देता हूँ। उसके बाद यहाँ बैकग्राउंड कलर आप लगाना चाहें वो भी लगा सकते हैं, तो मैं ऐसे वैसे ही रहने देता हूँ। इसके बाद चलेंगे हम एनिमेशन के अंदर। आप जो भी एनिमेशन देना दे दें, मैं यहाँ से फर्स्ट मैं देता हूँ यहाँ से स्लाइड राइट। अगेन फिर हम चलेंगे एनिमेशन के अंदर, तो हम यहाँ से ये दिया हुआ था, हम दोबारा चलेंगे एनिमेशन, तो आउट एनिमेशन में जाके हम यहाँ से पहले हमने स्लाइड राइट किया था, हम देंगे अब स्लाइड लेफ्ट। ओके गाइस, तो अभी हम चलेंगे इसकी लेंथ को इंक्रीज करते हैं जो हमारी ऊपर वाली लेयर है उसके बराबर। उसके बाद हम इसे इंक्रीज इसके बराबर करना है। करने के बाद अगेन फर्स्ट पर आएंगे, तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। ठीक है गाइस, इसको आपने चेक कर लेना है। चेक करने के बाद हम अगेन लेयर पर जाकर टेक्स्ट के ऊपर अब इसकी दूसरी लाइन लिखते हैं, तो मैं यहाँ पे दूसरी लाइन लिखता हूँ। अब इस पर भी इमोजी डाल देते हैं हर्ट्स का, मैं ब्रोकन हार्ट इमोजी डाल देता हूँ। अब इसकी लेंथ को करते हैं थोड़ा सा डाउन, तो खूबसूरत सा वो पल था। यहाँ से एक थोड़ी मिस्टेक हुई, हम यहाँ पर डालते हैं पर क्या करें। अगेन चलते हैं हम एडिट करते हैं इसको। अब मैं यहाँ पे इसे डालता हूँ पर। अब करते हैं ओके। तो गाइस ओके करने के बाद आप देखें अब हमारी जो पोएट्री वो थोड़ी अच्छी सही बन गई, खूबसूरत सवाल बोलता पर क्या करें वो बोलता। ठीक है गाइस, अब हम इसकी अच्छी तरह सेटिंग कर ले। आपने जैसे अपने पोएट्री के लिहाज से आपने सेटिंग करनी है, जैसे मैं कर रहा हूँ। ओके गाइस, तो अब हम इसे भी एनिमेशन देते, तो पहले हम इसे देंगे स्लाइड लेफ्ट, क्योंकि ऊपर वाली को हमने स्लाइड राइट दिया था फर्स्ट पे। अब हम दोबारा इसके ऊपर क्लिक करेंगे, तो अब यहाँ से हम देंगे आउट एनिमेशन के अंदर स्लाइड राइट। ओके गाइस, हम चलते हैं अब फॉन्ट के अंदर। फॉन्ट के हम वही फॉन्ट देंगे जो हमने पहले दिया था नोटरी बोल्ड का। ठीक है गाइस, तो उसे हम ओके करते हैं। ओके करने के बाद इसकी आपने सेटिंग कर लेनी है। अब इसे करते हैं प्ले करके चेक। तो गाइस ये कुछ इस तरह से हमारे पास इंटरफेस इसका है। इसके अलावा आप कुछ और इसमें ऐड करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, कोई और एनिमेशन देना चाहते हैं वो भी एनिमेशन दे सकते हैं। ओके गाइस, तो हम अगेन चलते हैं
इससे पहले आपने चेक कर लेना है। अच्छे से चेक करने के बाद इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं कि हम लेयर पर जाके ओवरले पे यहाँ से आप कुछ इसके अंदर बर्ड्स वगैरह ऐड करना चाहते हैं, कुछ भी ऐड करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से ऐड कर सकते हो। गाइस इसे अच्छे से आपने चेक करना लेफ्ट राइट करके, उसके बाद अगला काम हमारा इसे सेव करना। तो हम ये शेयर के बटन पर प्रेस करेंगे, प्रेस करने के बाद यहाँ पर हमें नीचे नज़र आ रहा होगा एक्सपोर्ट का बटन, ये वाला। तो गाइज़ हम सिंपली इस पर प्रेस करेंगे तो हमारे पास ये एक्सपोर्ट होना शुरू हो जाएगी। उम्मीद है गाइज़ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसके अलावा गाइज़ ऐसी मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और गाइज़ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।